अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कुछ दिनों का गैप आ गया हमारा, एक थी हॉलीडेज की जैसे रिकॉर्डिंग में। अब लास्ट टाइम जो हमने प्रोग्रेस की थी उसमें हमारी वेबसाइट का एक अच्छा सा लुक फाइनल होता जा रहा था, और ये सिचुएशन थी हमारी वेबसाइट की, कॉन्टैक्ट पेज हमने फाइनल कर दिया था, डिज़ाइन थोड़ा सा फाइनल कर दिया था। लेकिन इस टॉपिक में हम डिज़ाइनिंग पे काम नहीं करेंगे आज के लेक्चर में, हम बल्क में CSV के थ्रू प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करेंगे। अब एक एक प्रोडक्ट का तो मैंने आपको अलग से बता दिया है कि सिंपल प्रोडक्ट कैसे होती है, वेरिएशन प्रोडक्ट कैसे होती है, लेकिन बल्क में हमने प्रोडक्ट इंपोर्ट करने हैं। उसका इस चैप्टर को इस बीच में इंक्लूड करने का एक मकसद ये भी है ताकि प्रोडक्ट्स हमारे पास जब फाइनल हो जाएंगे तो हम जो बिल्कुल डिज़ाइनिंग की फाइनलाइजेशन नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे तो वो कवर हो जाएगी, ईजी हो जाएगी, और उसको हम मैच और सूट करना आसान हो जाएगा। तो CSV के लिए हम प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं HSC ड्रॉप शिपिंग का। उसमें बल्क में प्रोडक्ट्स की जो लिस्ट है उसको यहाँ से एक्सपोर्ट करवाएंगे हम। तो इस प्लेटफॉर्म पे जो प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं ना, वैसे तो इसमें जो अभी सप्लायर की हम डिटेल बताएंगे वो सप्लायर को बेसिकली डिटेल से अलग किसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सप्लायर सिलेक्शन क्राइटेरियाज क्या होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, कैसे, वो प्रोडक्ट हंटिंग के बाद का फेज़ आएगा जब आपको प्रोडक्ट हंटिंग की भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो इसमें अब यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ सप्लायर्स हैं, तो फॉर एग्जांपल अब इस सप्लायर की प्रोफाइल्स में कुछ ओपन कर लेता हूँ और फिर इसमें से हम सेलेक्ट करते हैं कि भाई किसके हमने प्रोडक्ट्स यूज़ करने। तो अब देखें ये इस सप्लायर की प्रोफाइल है। अब इसका ऑन टाइम रेशो कुछ इतना चल रहा है, मे बी इनका ऑन टाइम रेशो इतना चल रहा है, इनकी कैंसिलेशन रेशो इतना चल रहा है। तो ये सबसे बड़े सिलेक्शन फैक्टर होगा कि सप्लायर के साथ हमने काम करना है, ठीक है। तो जिसका ज़्यादा से ज़्यादा ऑन टाइम रेशो हाई हो और कैंसिलेशन रेशो कम हो, यहाँ पे भी ये 10-15% का फ़र्क जो आ रहा है ये ईद की हॉलीडेज़ की जैसे थोड़ा सा एल्गोरिथम डिस्टर्ब होगा जो कुछ दिनों में फिर स्टेबल हो जाएगा। तो ये 90% भी तकरीबन 99% पे सब ऑन टाइम ही है जहाँ तक हमारी रिपोर्ट से। तो फ़िलहाल मैंने डिसाइड किया है कि मैं जो है वो HWS कलेक्शन से काम करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैंने जब ये फाइनल कर दिया तो क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स मुझे थोड़े से ज़्यादा विनिंग प्रोडक्ट्स में निकलना शायद आसान हो जाए बाद में, तो और उसके पास वैरायटी ज़्यादा है और हमारी वेबसाइट फुलफ़िल हो जाएगी। अब हम एक स्पेसिफिक सप्लायर सेलेक्ट करने की एक और वजह ये भी है कि ये HSC ड्रॉप शिपिंग पे जब आप काम करते हैं तो ये मुख्तलिफ सप्लायर्स जो है मुख्तलिफ जगह से ऑपरेट हो रहे होते हैं, तो सारे ऑर्डर्स जो हैं वो एक जगह डिस्पैच नहीं हो सकते। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ऑर्डर गिरता है उसमें एक आइटम ये होता है और एक आइटम ये होता है जिसका सप्लायर अलग है, मतलब ये वाला ब्रश जो है ये मेहरान ट्रेडर सप्लाई कर रहा है और ये वाला ऑर्गेनाइज़र जो है ये आर ऑर्गेनाइज़र सप्लाई कर रहा है, तो एक ही ऑर्डर में ये दोनों आइटम एक साथ डिस्पैच नहीं हो सकते, इसके डिलीवरी चार्जेस अलग अलग होंगे क्योंकि एक साथ ऑपरेट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपने वेबसाइट में आपने दो चार प्रोडक्ट ऐसे लगा दिए जो अलग अलग सप्लायर के हैं और उसका ऑर्डर लग जाता है एक साथ, तो एक साथ डिस्पैच नहीं हो सकते। तो बेहतर है कि एक स्पेसिफिक सप्लायर से काम करें या अपनी वेबसाइट को भी मल्टी मार्केट प्लेस बनाए ताकि उसमें मुख्तलिफ सप्लायर का ऑर्डर करते हुए कस्टमर को पता हो कि अलग अलग तरीके से डिस्पैच होगा, उसके डिलीवरी चार्जेस अलग चार्ज होंगे। तो उस तरह से करना ज़्यादा रिकमेंडेड फ़िलहाल नहीं है करंट हमारी ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग्स के हिसाब से, लेकिन जिसको पता होता है वो ऑपरेट करता है, मतलब कस्टमर जैसे दराज से मुख्तलिफ सप्लायर का इसी तरह से शिप हो रहे होते हैं अलग अलग। तो खैर ये दो तीन वजूहत है जिसकी वजह से हम स्पेसिफिक सप्लायर सेलेक्ट कर रहे हैं। तो बैक टू द टॉपिक के अब हम अपनी CSV यहाँ से जो है या जैसे ऑप्शन दिए हुए, तो यहाँ पर जो डेट आ रही है ना, ये डेट आ रही है कि ये CSV फाइल लास्ट टाइम कब अपडेट हुई है। अभी July 5 हम लोग आज ही 5 जुलाई को ही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ये रिसेंट अपडेटेड CSV फाइल है, कभी इसमें कोई पुरानी डेट आ रही हो तो यहाँ पे गए अपने अकाउंट मैनेजर जो आपके होंगे उनको मैसेज करवा के ये अपडेट करवा दे, तो ये फ़ौरन अपडेट हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, 2-4 मिनट में अपडेट हो जाती है। तो ये CSV फाइल जो है वो अब हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे और अपनी वेबसाइट पे इसको इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन फाइनल करने इंपोर्ट करने से पहले हमें CSV फाइल पे थोड़ा सा काम करना होगा। अभी आप अपनी CSV फाइल इस प्रोडक्ट की इंपोर्ट ओपन करते हैं, इसमें थोड़ी सी चेंजेस करेंगे, वो चेंजेस इस हिसाब से करेंगे कि हम सबसे पहले तो
सिर्फ अपने सप्लायर फिल्टर करके उसके प्रोडक्ट्स छोड़ के बाकी सारे प्रोडक्ट्स डिलीट कर देंगे, ताकि सिर्फ उसी सप्लायर के प्रोडक्ट इम्पोर्ट हो जो हम करना चाहते हैं। अब इसको करने के लिए हम जो है शीट में अपना फिल्टर का यूज़ करेंगे, तो फिल्टर को यूज़ करके हम अपने जो है वो सप्लायर फिल्टर आउट कर लेंगे, और यहाँ पे सारे सेलेक्ट करके जो हमें सिर्फ चाहिए ना HWS कलेक्शन, इसको छोड़ के बाकी सब सप्लायर को सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तब ये बाकी जितने भी सप्लायर के आइटम्स हैं ये सारी रॉज हम डिलीट कर देंगे। तो इससे पता है क्या होगा कि जितने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स हैं जो सप्लायर के नहीं हैं वो सारी इस फाइल में से डिलीट हो जाएंगे। फिर इधर जब हम फिल्टर हटाएंगे तो फिर सिर्फ वही प्रोडक्ट बचेंगे जो HWS कनेक्शन पे अवेलेबल है। अब ये फाइल हम कंट्रोल एस दबा के सेव कर लेंगे, और इस फाइल को अब हम अपनी goodgoodies.pk जो हम अपनी वेबसाइट बना रहे थे इस पे इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले वही बैकएंड पे एडमिन पैनल पे आएंगे, तो प्रोडक्ट्स का सेक्शन होगा, और यहाँ पे तो इसका ऑप्शन नहीं आ रहा इंपोर्ट का, तो आगे टूल्स के अंदर जो है वो इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। अदरवाइज़ प्रोडक्ट्स में अगर आप ऑल प्रोडक्ट्स में जाए तो मे बी यहाँ पे पहले ऊपर ऑप्शन आता था इंपोर्ट का, इसको यहाँ पे भी देख लेते हैं। और बेसिकली दोनों सेम है, यहाँ से भी आप ओपन करना चाहें यहाँ से भी ओपन हो जाएगा टूल्स पे जाके अगर आप इंपोर्ट करें तो। प्रोडक्ट्स के पेज में देखें ऐड न्यू के साथ इंपोर्ट का ऑप्शन भी आ रहा है, और यहाँ पे इंपोर्ट करते हुए आपके पास मुख्तलि अलग ऑप्शन आ रहा है, ये इंपोर्ट अलग है। तो प्रोडक्ट पेज पे ऊपर जो इंपोर्ट का ऑप्शन है इसको हम यूटिलाइज करेंगे फिलहाल, और ये फिर हमसे मांगेगा लाओ फाइल, तो फिर हमने जो फाइल फाइनल की है वो हम इसको दे देंगे। राइट नाउ हमारे पास जो है टोटल 21 मल्टीप्लाई दूसरा पेज है, तो 20 से प्लस मैक्सिमम 30-40 प्रोडक्ट्स होंगे इस पे, और ये प्रोडक्ट्स हमें पहले डिलीट कर देने चाहिए ताकि नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना करें या इसमें से फिर इनको निकालना मुश्किल ना हो जाए। तो बेसिकली ये प्रोडक्ट डिलीट कर रहा हूँ मैं पहले फाइल इंपोर्ट करने से पहले, ताकि मिक्स ना हो जाए हमारे प्रोडक्ट्स में, तो खाली हो जाएगी वेबसाइट, अच्छा हो जाएगा फिर जो वो प्रोडक्ट और एक्सेस CSV फाइल से इंपोर्ट होंगे सिर्फ वही शो होंगे। थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है ये, तो खैर है। तो तकरीबन 20 प्रोडक्ट इसने डिलीट कर दिए, एक रह गया, इस एक को भी हम मूव टू ट्रैश कर देते हैं, और फिर मूव होते हैं अपने CSV इंपोर्ट पे। देखें ये आप CSV इंपोर्ट जो हम प्रोडक्ट के पेज ओपन करके ऊपर इंपोर्ट पे क्लिक किया था, तो उसके बाद ये पेज ओपन हुआ था, ये आपसे जो है वो CSV फाइल मांग रहा है। तो ये CSV फाइल हम सेलेक्ट करके अपनी जो डाउनलोडेड फाइल है, कहाँ डाउनलोड की थी हमने तो देख लेते हैं, प्रोडक्ट्स वूकॉमर्स ई के अंदर आ रही है ये, तो इस फाइल को हम सेलेक्ट करते हैं। ये वाली फाइल थी, ये हमने इसमें फिल्टर आउट कर लिया था वेंडर। अब ये फाइल हम यहाँ से अपलोड कर देंगे। अब ये जो टिक मार्क है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट दैट मैच बाय ID और SKU। अच्छा एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना भूल गया, वो ये कि ये जो फाइल हमने फाइनल की है इसमें 30% मार्जिन ऑलरेडी आपकी जो होलसेल प्राइस है जैसे कि वो एडिड है। ठीक है,
अब फॉर एग्जाम्पल फाइंड बैक है, इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं कि HSC पे कितने का लगा हुआ है। ठीक है, फाइंड बैक इलेक्ट्रिक चार सप्लायर ने अपलोड किया हुआ है और इसमें सबसे कम रेट शाहजहाँ स्टोर का आ रहा है 702 रुपये, फिर उसके बाद आ रहा है 760 में दानिश ट्रेडर्स दे रहा है, 877 में जो है वो HWS दे रहा है, और फिर AA जो है वो 702 में दे रहा है। खैर इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, कौन क्यों कम दे रहा है ज़्यादा दे रहा है, कुछ में क्वालिटीज़ का फ़र्क भी आ जाता है, कुछ में रेटिंग्स का फ़र्क भी आ जाता है, कुछ में फीचर्स का फ़र्क होता है, कुछ सेल ऑपरेटर होते हैं, वो उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको फ़र्क चलेगा। लेकिन फिलहाल जस्ट हम जो हम करना चाह रहे थे वो करेंगे, वो ये कि 877 का ये अपलोडेड है, तो 877 के ऊपर जो भी आप अमाउंट रखेंगे डिलीवरी चार्जेस हटा के, मतलब 210 अगर डिलीवरी HSC ले रहा है तो 1080 तक का ये पड़ जाएगा, और उसके ऊपर जो भी अमाउंट होगी वो आपका कमीशन होगा ना, तो जितना भी आपने प्रॉफिट रखा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल में 30% प्रॉफिट एडिट है, मतलब 877 प्लस 30% इज़ लाइक 1140, और यहाँ पे 1140 रुपये इसकी प्राइस शो हो रही है। तो इसमें प्राइस ना भी छेड़ें तो 30% रहता है। यहाँ पे पर्सनली मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि जो स्ट्रेटेजी है ना, मार्केट वाले भी तकरीबन मेजॉरिटी इसी तरह काम करते हैं, वो भी करते हैं, वो एक डिफ़ॉल्ट मार्जिन मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स पे आप कम से कम रखेंगे, 20-30% इनफ है। क्यों? क्योंकि आपकी मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट जो लगेगी वो कैंपेन्स पे लगेगी, और कैंपेन्स जिस प्रोडक्ट पे आप चलाएंगे वो उस प्रोडक्ट की उस टाइम आप प्राइस हाई करके, या स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो ज़्यादा कॉमन नहीं हो ताकि उस टाइम आप खेल सकें, जो खेलने का टाइम होगा उस टाइम उस प्रोडक्ट पे खेलेंगे, तो उस प्रोडक्ट की प्राइस उस टाइम हाई कर देंगे, बाकी प्रोडक्ट हम कम पे चलेंगे, वो बाकी प्रोडक्ट पे हम इन्वेस्टमेंट नहीं करें, 20-30% मार्जिन पे वो निकल रहे साथ साथ तो बहुत अच्छा है, और वो निकलेंगे भी तब जब उसको रेट कम मिलेगा। फिर बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो मार्केट में जिनका लोगों को रेट पता होता है, आइडिया होता है, मतलब उन चीज़ों का ज़्यादा कि ये होलसेल में इधर उधर या तो नॉर्मल बड़ी शॉपों में कितने तक का उनको उसमें मिल जाएगा, तो आप जब उधर भी रेट अच्छा देंगे तो वैसे वो आपकी वेबसाइट को पसंद करेगा, सेव कर लेगा और उस पर बार बार शॉपिंग करता रहेगा, आप जो वो बार बार शॉपिंग कर रहा है रेट की वजह से उस पर अभी आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगी, तो 30% इनफ है। और ऐसे पार्सल जो है जो बार बार कस्टमर आते हैं रिकर्सिव और जो शॉपिंग करते हैं, उनके पार्सल में कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी नहीं लगता, कोई रिटर्न भी नहीं ज़्यादा होते, और कोई कैंसिलेशन भी नहीं होती, कोई कस्टमर को तंग करने वाले भी नहीं होते। ठीक है, तो इसी तरह हम इस बेस मार्जिन को छेड़े बगैर ये फाइल हम अपलोड कर रहे हैं 30% मार्जिन के साथ। तो उसके बाद आपको कभी होता है कि यार मैंने मार्जिन जो है ना, फॉर एग्जांपल ये बेसिकली मुझे याद आया था इस टिक्स बॉक्स से, मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करते चलूँ कि टिक्स बॉक्स क्या है। वो ये कि अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे IDs जो है ना, ये मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ उसको ऑलरेडी, अगर मैं सब में चाहता हूँ कि 40% मार्जिन पे चलाऊँ मैं, अब तो मैं इस बल्क में पूरी शीट में एक साथ 40% अपलोड कर दूंगा और ये ID नहीं छेड़ूंगा, और अगली बार इस पर टिक मार्क कर दूंगा तो ये जो मेरी पिछली बार फाइल अपलोड की होगी अगली बार उसी में नए रेट के साथ प्रोडक्ट रिप्लेस कर देगा, चेंजेस कर देगा सब में बल्क में। तो ये एक बल्क में रेट आपका अपडेट करना हुआ तो आसान काम हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हम फर्स्ट टाइम अपलोड कर रहे हैं तो हमें इसको टिक मार्क करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम ना ही करते। तो अपनी फाइल हमने सेलेक्ट कर दी है कि ये WooCommerce की ये वाली फाइल है, तो उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए ये कॉलम मैपिंग देगा। कॉलम मैपिंग ऐसे होती है कि वो कन्फर्म करता है कि भाई आप जो डेटा दे रहे हो, ये 4410 रुपये और ये 297 रुपीज़, ये रेगुलर प्राइस ही है ना। ठीक है, रेगुलर प्राइस को आप इससे कनेक्ट करोगे, रेगुलर प्राइस से इन स्टॉक, मतलब 1 yes होता है और 0 फॉल्स होता है, ट्रू और फॉल्स, यस और नो, तो ये 0 और 1 से की बेसिस पे इस तरह फीड हो रहा होता है। तो अगर आप मैं इसको 0 कर दूंगा तो ये आउट ऑफ स्टॉक फीड करेगा, 1 करूंगा तो इन स्टॉक फीड करेगा। ठीक है, इमेजेस के लिंक यहाँ पे आ रहे हैं और सप्लायर नेम जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है, ये हमें डिलीट कर देना चाहिए था यहीं से, इसको ज़रूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पर अभी वो मसला करेगा। तो ID के अंदर देखें, ID मैप हो गई, टाइप में टाइप मैप हो गया, प्रोडक्ट नेम जो आ रहा है वो प्रोडक्ट नेम मैप हो गया, उसके अंदर के प्रोडक्ट का टाइटल आ जाएगा और स्टेटस पब्लिश्ड है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का और डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन का कॉलम, और एक एक सैम्पल जो है वो साथ साथ दिखा रहा है कि ये देखें नेम के अंदर ये वाला कॉलम का डेटा आ रहा है और प्राइस इसके अंदर जो है वो ये रेगुलर प्राइस 4410 आ रही है, इन स्टॉक में 1 का मतलब इन स्टॉक शो कर रहा है, यस, और इमेज का लिंक जो है वो इमेज फेच कर रहा है, कैटेगरी में ये वाली कैटेगरी फेच कर रहा है, और ये सप्लायर का कॉलम उसको नहीं मिला तो उसने लिख दिया डू नॉट इम्पोर्ट। तो कल को आपको ये मल्टी वेंडर प्लगइन यूज़ करेंगे तो उसमें आप अपना सप्लायर की प्रॉपर्टीज़ पहले से बना के यहाँ पे कॉलम मैप कर सकते हैं। तो
इसको डू नॉट इम्पोर्ट करेंगे, पेरेंट को खाली रहने देंगे, इसके भी कोई पेरेंट कैटेगरी नहीं आ रही है या इस तरह को पेरेंट चीज़ नहीं आ रही, तो कॉलम बाकी सब ओके लग रहे हैं तो हम इम्पोर्टर रन कर देंगे। अब हम इसको बोल रहे हैं भाई सही है, तो आपकी सेटिंग आपने सही रखी है और ये लिंक सही है, तो प्रोडक्ट्स अब हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट्स आपके इम्पोर्ट होना शुरू हो गए। अब ये दो थोड़ी सी प्रोग्रेस कर ले, फिर हम वीडियो पॉज कर देंगे, इसका वेट करेंगे क्योंकि वीडियो को कंटिन्यू रखना फिर इसमें सूटेबल नहीं होगा क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेता है, और पॉज करने के बाद जब हम रिज्यूम करेंगे इंशाल्लाह, तो अगर ये कंप्लीट हो जाता है इजीली बगैर किसी इशू के, तो फिर हम चेक कर लेंगे इसने प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए हैं तो वो फ्रंट एंड पे क्या लुक दे रहे हैं और कितने प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हो गए। तो शीट में तो तकरीबन तकरीबन हमारे पास अगर हम इसको सब सेलेक्ट करें तो 250 प्रोडक्ट है, 250 प्रोडक्ट सप्लायर के हमने शीट में फाइनल किए हैं और 30% बेस मार्जिन के साथ क्यों उसको हम इम्पोर्ट करने का बोला है। पहले शायद यहाँ पे कुछ नंबर आते थे कि इतने प्रोडक्ट होगा इतने रहेगा, एक दो मिनट वेट करते हैं, अगर वो शो करता है तो फिर उसके बाद हम पॉज करते हैं वीडियो को, नहीं शो करता है तो फिर भी पॉज ही कर देते हैं कि कंप्लीट हो जाए तो फिर हम रिज्यूम करें ताकि। नहीं शो कर रहा है, ऐसे ही चलेगा तो हम इसको पॉज कर देते हैं फिलहाल। 10 मिनट गुजर चुके हैं और इसके प्रोग्रेस अभी यहाँ से यहाँ तक ही हुई है, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जस्ट अपडेट देना चाह रहा था। फिर वीडियो रिज्यूम करता हूँ और थोड़ी देर बाद फिर आपको अपडेट करता हूँ कितना हुआ कितना नहीं हुआ। ओके वेलकम बैक, तो करीबन आधा घंटा लेने के बाद या उससे भी ज़्यादा 406 नॉट एक्सेप्टेबल का एरर शो किया है इसने, तो सबसे पहले हम अपनी नॉलेज में इजाफा करते हैं, अब सर्च करते हैं कि भाई ये है क्या चीज़, एरर का मतलब क्या होता है इसका। तो ये फ़ायदा है जर्नी का इस कोर्स में कि आपको चैलेंजेस दिखाए जाएंगे कि होते क्या है, ठीक है। अब 406 मैं भी फर्स्ट टाइम एरर देख रहा हूँ कि एक्सेल में है क्या, ठीक है। तो अब वहाँ से कोई रिक्वेस्ट मतलब यहाँ से जो भेजी गई है उसका कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स सर्वर से नहीं आ पा रहा है, तो वो आ रहा है, तो इसको और भी हम जो है ना वो इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं कि वो कॉमर्स प्रोडक्ट इंपोर्ट में ये एरर आ रहा है, और उसके बाद क्या इसको देख लेते हैं खोल के। तो यहाँ पे कुछ रेलिवेंट सिस्टम बता रहा है कि फायरवॉल सिस्टम है कुछ होस्टिंग पे सिक्योरिटी रिलेटेड, तो होस्टिंग वालों से शायद बात करके ये सॉल्व करवाया जा सके। और फिर यहाँ पे तो ये इसके पास तो ये वाला एरर आ रहा है, ये तो अलग एरर है, और फिर ये भी एरर है अलग है, ये सेव एरर है लेकिन किसी और इशू में वर्डप्रेस शो कर रहा है। तो वही रीज़न, फायरवॉल सिस्टम, होस्टिंग अकाउंट, सॉल्यूशन, फायरवॉल बंद करना, अब कुछ कभी एक्सेस होता है कभी नहीं होता है। एक सेकेंड दीजिएगा मुझे, तो सॉरी बीच में इंटरप्शन आ गया, असल में ऑफिस के बीच में बैठा हुआ, कुछ काम में अर्जेंट अर्जेंट किसी भी टाइम आ जाते हैं। अब तो बेसिकली बेसिकली सिर्फ फायरवॉल का एरर लग रहा है, लेकिन 406 एक्सेप्टेबल तो
इसको चेक कर लेते हैं असल में प्रोडक्ट्स अपलोड हुए भी हैं या नहीं हुए, हुए हैं तो कितने हुए हैं, क्योंकि ये प्रोसेस कंटिन्यूस था और तकरीबन एंड पे था जब तक लास्ट टाइम मैं देख रहा था वो जो लोडिंग चल रही थी वहाँ पे। तो 242 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका है ये, ठीक है, काम जैसे तकरीबन कर दिया। अब जो इशू है वो इशू है, इसका सोल्यूशन बेसिकली सिंपल यही होगा कि आप जो है वो जैसे हमने सप्लायर वाइज शीट तोड़ी थी तो 250 प्रोडक्ट अपलोड किए थे, तो एटलीस्ट 150-200 ज़्यादा ना करें अगर आपका सर्वर नॉर्मल है। अगर हाई स्पीड VPS सर्वर है और थोड़ा सा एक्सपेंसिव सर्वर आपने लिया है तो मे भी उसमें इस तरह का इशू ना आए, बड़ी जल्दी अपलोड हो जाए, इतना टाइम भी ना ले, सिक्योरिटी का इशू भी ना आए। अगर किसी और किस्म का इशू हो रहा है इसी तरह से इन्वेस्टिगेट करें, उसको सॉल्व करें, इंशाल्लाह कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आता है, ऐसा कोई मसला नहीं होता क्योंकि ये बेसिक फीचर है, इतना कोई एडवांस फीचर नहीं है, वो हर प्रोडक्ट हर जगह नॉर्मल होस्टिंग पे अवेलेबल होता है। अब जितनी सस्ती होस्टिंग आप लेंगे उतने इस तरह के इश्यूज़ फेस हो सकते हैं, लेकिन जिस होस्टिंग की सपोर्ट अच्छी होती है वो आप उनको मैसेज करेंगे, वो इंशाल्लाह सपोर्ट करके वो रिजॉल्व करवा देते हैं। तो भाई हमने प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट कर दिए हैं, अब जो है अपनी वेबसाइट देख लेते हैं। अब फायरवॉल का जो भी इशू था हमारे प्रोडक्ट इम्पोर्ट होगा, 4-6 जो नहीं हुए देखे जाएंगे वो। तो ये देखें हमारे पास प्रोडक्ट हमारे वही इंपोर्ट किए हुए प्रोडक्ट सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। शॉप का पेज भी एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा और तसल्ली हो जाएगा भाई प्रोडक्ट का काम प्रॉपर हो चुका है। यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी सही चल नहीं रही है मेरे ख्याल से, होम एंड लाइफस्टाइल इसको चेक कर लेते हैं, इसमें सारे प्रोडक्ट शो हो गए हैं। इस कैटेगरी की सेटिंग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इंशाल्लाह, कोई इसका भी सोल्यूशन निकालते हैं। और ये देखें सारे पेजेस आ रहे हैं और एजेक स्पेस लोडिंग हो रही है, कोई पेज बल्कि नहीं पेज रीलोड हो रहा है, ठीक है। तो ये शीट है, इस शीट को हम ओपन करके देख लेते हैं, ये क्विक व्यू में ओपन हो रहा है, तो यही पॉपअप ओपन हो रहा है, तो इसकी भी सेटिंग छेड़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, डिज़ाइनिंग वापस आएंगे। तो ये क्विक व्यू आ रहा है, मैं इसको न्यू टैब पर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर पिक्चर्स इस तरह से शो हो रही हैं, दो मेन पिक्चर शो हो रही हैं, टाइटल शो हो रहा है, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो लगी हुई थी वो भी आ गई है, ठीक है। अभी आपकी वेबसाइट पे 242 प्रोडक्ट्स अपलोड हो गए हैं प्रॉपर। अब जो इशूज़ हैं वो थोड़े थोड़े वेबसाइट के हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करते जाएंगे उसको भी। तो इस टॉपिक में, इस वीडियो में इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर डिज़ाइनिंग वापस आते हैं, डिज़ाइनिंग पर काम करते हैं इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।